सिग्नल क्रॉस होगा कि नहीं, ये सिग्नल क्रॉस होगा कि नहीं, होगा 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 होगा, भगा भगा भगा, अरे भगा रुक अलग। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मंत्री, बोलो ना। हाँ जा रहा हूँ ऑफिस, बोलो ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज आ रही कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन चलो दिनों पे मोटो व्लॉग नहीं किया मैंने, तो सोचा आज कर लूं। वैसे आज है ट्यूसडे, पिछले 2 महीने हो गए दिवाली, इसमें उसमें थोड़ा बहुत ही बिजी था मैं, इसलिए व्लॉग तो नहीं आ रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि पोस्ट करने की, तो अभी कर रहा हूँ मैं, आपको कुछ एंटरटेन हो जाए उससे। वैसे मैंने लास्ट मैंने जो 2 व्लॉग डाले थे, शायद वीडियोस डाले थे मैंने उसके बारे में, जो कार खरीदी उसके डिलीवरी का, और उसका डाला था। उसके बाद रिसेंटली कुछ हो गया, गाड़ी को एक ड्रंक ड्राइवर को चला रहा था, वो हिट करके मतलब सिग्नल पे भाग गया, वो हिट करके नई गाड़ी को, तो उसका वीडियो शायद इस वीडियो के बाद या पहले आएगा, शायद देख लेना। उसमें क्या नुकसान हुआ, क्या मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ, मेरा क्या लॉस हो गया उसमें, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। और इंश्योरेंस के क्या नखरे रहते हैं इंश्योरेंस वालों के, क्योंकि हम लोगों को, हम इंश्योरेंस लेना जानते हैं, लेकिन उसके बाद में क्लेम क्या प्रोसेस, क्लेम का क्या प्रोसेस है, उसको क्या चार्ज लगता है, क्या चार्ज लगता है उसका, क्या मतलब वो सब डिटेल्स जो है वो उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रुको भाई रुको, इसका व्हाइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग किधर है यार, ओ, 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 क्या यार ये सब, किधर जाना वहां के, विमान नगर की तरफ हूँ, ट्विटर पे नहीं क्या, एक पुणे ट्रैफिक पुलिस एक अकाउंट है, कोई हेलमेट नहीं पहना या फिर किसी ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कोई रुका हुआ है सिग्नल पे, यो 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 यो। तो आप उसका फोटो खींच के सिंपल वहां पे ट्वीट कर सकते हो उनको, सिर्फ आपको लोकेशन बताना है उनको, बस खत्म। उसके बाद वो ई प्लान बनाते हैं उसका 24 आवर्स के पहले, तो ये बहुत अच्छी लगती है बात मुझे पुणे ट्रैफिक पुलिस की, मतलब वो अकाउंट से डायरेक्ट एक्शन हो जाता है और रिमार्क्स में आता है ट्विटर, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैं ये जो मोटो व्लॉग करता हूँ उसमें ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं मुझे, तो वो अरे क्या हो रहा है आज यार, मेरा स्पीड ज़्यादा हो गया क्या, नहीं नॉर्मल है यार,
गाड़ी आगे वाली ब्रेक मार रही है। ब्रेक मार रहा है, जोर से ब्रेक मार देते हैं। बस पीछे वाले की तरफ भी सोचो, पीछे वाले का भी ख्याल रखो यार। दो दिन पहले की बात है, मैं कैसे ब्लॉग कर रहा था, वो तो ब्लॉग चालू था मेरा सिग्नल पे, ऐसे लोग देख रहे मेरी तरफ। अरे मुझे लगा क्या कुछ हो गया क्या, मतलब थोड़ा अजीब देखे पुणे में, मतलब नॉर्मल है ना ये तो। एक जगह पे ऐसा हो रहा था, नॉर्मली होता ही है। ठीक है, उनको लगता है कि क्या अजीब गरीब चीजें कर रहा भाई तू, तू मोटर ब्लॉक कर रहा, बाप रे OMG। मेट्रो का काम कब खत्म होगा जल्दी बोलो, 2020 खत्म हो गया, 21 है 22। हम लोग जा रहे हैं, अच्छा उधर से जाओ, वो बोल रहा है फ्लैग दिखा रहा है, मुझे लगा है जाओ 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 बोल रहा है, वो थोड़ा बोल रहा है साइड से जाओ। ये वर्क फ्रॉम होम होने से बहुत सारे ट्रैफिक आदि कम हो गई मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। एट्टी वन एट्टी टू एट्टी थ्री ब्रेक मार्क, पल्सर 150 है मेरे पास, तो हाईएस्ट स्पीड क्या जाता है इसका, कभी का ट्राई किया कि किसी ने, जो कोई देखेगा देख लेना यार बता देना। मेरा तो मुझे नहीं लगता 90 के ऊपर कभी गया होगा, क्या मैंने ट्राई नहीं किया या गया भी नहीं होगा, मे बी शायद। एम्बुलेंस के चक्कर में मैं सिग्नल तोड़ने वाला था, अभी ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इसकी वजह में बोल देखा कि वो चल आगे निकलते क्योंकि, लेकिन ये तो चलो कोई नहीं। वैसे टेनेट मूवी देखी है आप लोगों ने, ऐसे एक बार टाइम मिले तो टेनेट मूवी जरूर देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है, पहले नहीं आएगी आपको। जो भी क्रिस्टोफर नोलन के फैन है वो कभी नहीं मतलब छोड़ेंगे वो मूवी, ऑप्शन मूवी एकदम, पहले तो समझ नहीं आएगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है वो मूवी देखने के लिए। सब टाइटल्स के साथ देखना थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो, जिनको सस्पेंस टाइम ट्रैवल ऐसी मूवी जो फिक्शन मूवी पसंद है ना वो, उनको और एक सजेस्ट करूंगा मूवी में, रेटिंग ज्यादा नहीं है उसकी, उसका नाम है प्री डेस्टिनेशन। उसमें समझ ही नहीं पाओगे आप आखिर तक कि कौन एक्चुअली था उसमें से, मतलब बहुत अच्छी मूवी, कंफ्यूज के छोड़ेगी आपको। जैसे कि मैंने पीछे वाले बाइकर को कंफ्यूज करके छोड़ दिया, बेचारा जा रहा था मैं घुस गया अंदर लेफ्ट में,
ये आ गए वेरोड़ा की तरफ। यहाँ पे बहुत एक सिग्नल पे बहुत ट्रैफिक रहता है इधर, पहले कुछ नहीं रहता था इधर, पहले 2013 या 14 में सॉरी, तो मतलब ये रोड पे नया बना था शायद। क्रॉस होगा कि नहीं, ये सिग्नल क्रॉस होगा कि नहीं, होगा 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 होगा, भगा भगा भगा, अरे भगा रुक, लग गया तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ हो गया, अच्छा टाइम था इसको, मुझे लगा बंद होता है, वो छूटता है तो ये बंद हो जाता है, ये बालगंधर वो। चलो दोस्तों ये जाना है थोड़ा प्रभात रोड, चलिए दोस्तों बाय बाय, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।